लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए सीटों के न्यूनतम प्रतिशत की जरूरत नहीं है। ये बात लोकसभा सचिवालय ने एक आरटीआई के जवाब में कही है। मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने अर्जी लगाकर यह जानकारी मांगी थी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए क्या सीटों की कोई अनिवार्य न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, जिसके जवाब में लोकसभा सचिवालय की ओर से कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए कोई भी न्यूनतम प्रतिशत का प्रावधान है ही नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 7 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को एक पत्र लिखकर सदन में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को यह दर्जा देने की मांग की थी, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने उस वक्त खारिज कर दिया था। लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि खुद लोकसभा सचिवालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए सीटों की अनिवार्य न्यूनतम कोई संख्या है ही नहीं। सर, ये बताएं क्या आरटीआई के द्वारा क्या प्राप्त हुई है जानकारी लोकसभा को लेकर? हमने लोकसभा सचिवालय से पूछा था कि जो लोकसभा में जो विपक्ष का नेता पद होता है उसे बनाने के लिए कितने सांसदों की संख्या की आवश्यकता है, तो हमें ऐसा रिप्लाई दिया गया है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है और कोई भी संख्या निश्चित नहीं की गई है। इसके अलावा जब हमने उनसे पूछा कि इस लोकसभा का विपक्ष का नेता का जो पद है वो किन किन मामलों में, किन किन चयन के मामलों में इम्पोर्टेंट होता है, तो उसकी भी जानकारी लोकसभा सचिवालय के पास नहीं थी। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए होंगे फौरन हाजिर।